अगर आपका इन्वर्टर जो है उसका ये पुश बटन अगर ख़राब हो जाए तो आप किस तरह से रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में दिखाया जाएगा, तो वीडियो में आप बने रहें। देखिए ये जो हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये पुश नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं इसे पुश एक बार कर दिए हैं तो ये खड़ा ही है, मतलब ये काम नहीं कर रही है बटन। तो इसको किस तरह से आप रिपेयर करेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जितना भी नट है ये सब खोल लेना है, स्क्रू सब इधर तीन है और उस साइड में चार है, यानी कि टोटल सात स्क्रू है, तो सातों को खोल लेना है। देखिए हमने यहाँ पर खोल लिया है और यहाँ पर देखिए बहुत सारा गंदा है, इसको हम अपनी झाड़ लेते हैं, बहुत सारा गंदा है, इसको आराम से आप कपड़ा से इस तरह से झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद टेस्टर के द्वारा या फिर पेचकश के द्वारा आपको ये स्विच को खोलना है। देखिए ये जो स्विच है अभी देखिए इसको पुश कर रहे, ये नहीं निकल रहा है, यानी कि वो जब पुश कर दिए हैं तो वो अंदर रह गया है, बटन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको ये खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद इस तरह से टेस्टर से आपको खोलना होगा। खोलने के बाद तीन गो नट है, तीन स्क्रू है, तीनों स्क्रू को खोलना है आपको। खोलने के बाद जहाँ पर बटन है उस बटन में आपको एक बूंद मशीन ऑयल देना है, जैसे कि ये मशीन का ऑयल जो है हर घर में रहता है, तो आपको मशीन वाला जो तेल है वो उसको एक बूंद देना है। और अगर मशीन का तेल नहीं है तो आप गाड़ी से निकाल करके मोबिल एक बूंद दे सकते हैं, एक से दो बूंद, ज़्यादा इससे ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो तेल इधर आ सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक ही बूंद देना है जहाँ पर आपका जो पुश बटन है वो, इसको निकालने के बाद प्लास्टिक का जो बटन है, प्लास्टिक जो है जिसमें पुश करते हैं हम लोग, वो प्लास्टिक का रहता है, उसमें आपको एक बूंद देना है, ज़्यादा नहीं। एक बूंद देने के बाद वो प्रॉपर काम करने लगेगा, प्रॉपर काम करेगा एकदम कन्फर्म, आपको चेंज करने की दरकार नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे खोल दिया है लगभग, और खोलने के बाद इस पर अभी हम देखिए खोल दिए हैं, इस पर अभी हम तेल देंगे एक बूंद। देखिए अभी दबले हैं, इसको उठाते हैं तो फिर उड़ जाता है। देखिए इसको हम उठा दिए हैं तो ये उठ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको निकाल रहे हैं हम, देखिए निकल गया है, देखिए निकल गया है, तो इसका मतलब ये बंद हो गया है, यानी कि कचड़ा घुस गया है इसके या तो फिर कुछ और भी है। यहाँ पर अगर आप एक बूंद तेल देंगे तो ये प्लास्टिक प्रॉपर काम करने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर तेल दे दिया है और बहुत ही अच्छा से अभी वर्क कर रहा है, अभी हम फिर इसे फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अपने जो बटन है उसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे जला दिया, फिर यहाँ पर देखिए ये फिर जल चुका है।